आई एम स्टार्टिंग चैप्टर टू फॉर क्लास एट्थ बी इन साइंस. द नेम ऑफ चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई. क्या नाम है इस चैप्टर का नाम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई. तो सबसे पहला जो वर्ड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके बारे में द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू सी विद नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दे आर टू स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज. वी नीड टू सी देम एज ए इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप. दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यदि हिंदी में बात करें तो ऐसे सभी जीव जो इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अब बच्चों, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अकॉर्डिंग टू अवर फैसिलिटीज वी डिवाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फाइव ग्रुप्स. अर्थात सूक्ष्म जीव को हमने पांच ग्रुप में, मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया. पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंजी, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा एल्गी, पांचवा वायरस. क्या है मेजर ग्रुप? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस. अब बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे हमें अनेक परेशानियां भी होती हैं. ये हमारे अंदर इलनेस फैलाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं इनकी वजह से. जैसे बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से टाइफाइड हो सकता है बच्चों, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है एक्सेट्रा. टाइफाइड एक वाटर बॉर्न डिजीज है बच्चों, पानी से होने वाला रोग है और हमारे अंदर फीवर पैदा करता है बच्चों. ऐसे ट्यूबरक्लोसिस एयरबॉर्न डिजीज है बच्चों और धीरे धीरे इसका बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम है, पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी कहा जाता है. टीबी पुराने समय में असाध्य रोग था, अर्थात अनक्योरेबल डिजीज थी, लेकिन आज के समय में इसका इलाज प्रॉपर संभव है और बहुत सारे रोग हो सकते हैं बैक्टीरिया के. नेक्स्ट है फंगी. फंगी बच्चों, जब कई बार जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो कई बार हमारे शरीर में खुजली हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, अर्थात जिस यानी कि स्किन डिजीज, इनको डर्मा डिजीज के नाम से जाना जाता है, वो हो जाते हैं ऐसे रोग. ठीक है, किसकी वजह से? फंगी के कारण, अर्थात जैसे एलर्जी होना. फिर है बच्चों प्रोटोजोआ. क्या नाम है? प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ अक्सर आपने देखा होगा कि इसका जो वाहक है वो बच्चों मॉस्किटो होता है, जो फीमेल मॉस्किटो है एनाफिलीज, वो इस रोग का वाहक है. और ये प्रोटोजोआ जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाया जाता है मॉस्किटो के द्वारा, और इससे भी फीवर हो जाता है बॉडी में इससे बुखार हो जाता है, जिसे मलेरिया के नाम से जानते हैं. डायसेंट्री, जो एक तरह से पेचेस, जैसे ओपन फूड होते हैं या फ्रूट होते हैं मार्केट में, उन पर फ्लाइज आ जाती है, जिससे भी क्या हो जाता है, हाउस फ्लाई बैठ जाती है वगैरह वगैरह, तो उससे भी जो हमारा जो फूड है वो पॉल्यूटेड हो जाता है. ऐसे फूड का यूज करते हैं तो हमें एक बीमारी हो जाती है डायसेंट्री, जिसका नाम है पेट खराब होना यानी पेचिस, समझे. इसके बाद वायरस. बच्चों वायरस ऐसा एक पैथोजन है, रोगाणु है, जिसका आज इलाज जो है वो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसके लिए दवाइयां इतनी एक तरह से प्रभावशाली नहीं है, इफेक्टिव नहीं है. इससे होने वाले रोग जो है, जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, पोलियो हो गया, पल्स पोलियो ड्रॉप्स अप्लाई जाती है बच्चों. पल्स पोलियो एक तरह से अभियान है जिसमें छोटे बच्चों को ये ड्रॉप दी जाती है इस रोग को रोकने के लिए. चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस के द्वारा होता है. एड्स भी वायरस के द्वारा, इसके बारे में आप 9th क्लास में स्टडी करेंगे. फिर बच्चों आपको बहुत सारी जानकारी दी कि अनेक प्रकार के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे कई प्रकार के रोग हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव,
अर्थात प्रश्न ये है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये रहते कहाँ हैं। बच्चों ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में और लगभग सब जगह पाए जा सकते हैं, यानी कि ठंडे से ठंडे माहौल में, गर्म से गर्म माहौल में है, और छोटी बड़ी जगह सभी पाए जा सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि बच्चों ये जो है ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट में पाए जा सकते हैं, जैसे आइसी कोल्ड बर्फीला स्थान है, हॉट स्प्रिंग है, उन पर भी ये पाए जा सकते हैं, रेगिस्तान जैसी डेजर्ट जैसी जगहों से लेकर के मार्सी लैंड जहां दलदली भूमि है वहां पर भी ये पाए जा सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेलर, दोनों प्रकार के। और सिंगल सेल बैक्टीरिया या और इसमें आता है बैक्टीरिया, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सा एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया, और भी हो सकते हैं। फिर सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ वो मल्टी सेलर में आते हैं बच्चों। तो दो प्रकार के हुए, बैक्टीरिया कैसा है, सिंगल सेल, और जो फंगी है या आपका एल्गी है या प्रोटोजोआ है ये कैसे है, मल्टी सेलर में आते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों कई बार तो ये एक ग्रुप में रहते हैं, कभी कभी अकेले स्थानों पर रहते हैं, जैसे ये कहें कि अमीबा जो है वो एक तरह से एलोन, यानी एक तरह से ये कहें कि वो लिव एलोन, अकेला रहता है, ग्रुप में नहीं रहता है। ऐसे ही बच्चों यदि हम कहें कि फंगी बैक्टीरिया ये सब एक कॉलोनी में रहते हैं, किस में रहते हैं बच्चों, कॉलोनी में रहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंडस। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि हमारे लिए एक तरह से रोग ही फैलाते हैं, हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, कि जो चीज हमारे लिए फायदेजनक है वो कुछ लाभदायक भी हो सकती है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड की बात करें तो पहला है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से हम कर्ड, दही और ब्रेड जो बाजार से आप पैकेट लाते हैं फुला फुला, ये सब किससे प्राप्त होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखिए कर्ड कैसे बना जाती है, देखिए मिल्क और कर्ड दो हमारे फूड हैं, और मिल्क जो है मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लैक्टोज। तो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, इसलिए दही बच्चों खट्टी होती है, दूध खट्टा नहीं होता है। तो द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू द कर्ड, तो एक फायदा हो गया, कर्ड को लोग पसंद करते हैं, प्रिफिल होता है, इसे बड़े चाव से खाते हैं लोग। तो दूसरा इससे और भी हमारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे चीज है पिकल्स है पनीर हो गया, एक तरह से अचार हो गया आदि, इससे बना जा सकते हैं बच्चों, और भी बहुत सारी चीज। फिर कॉमर्शियल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का व्यापारिक उपयोग, बच्चों एल्कोहल के रूप में, वाइन के रूप में, विनेजर के रूप में, एल्कोहल एज ए एल्कोहल वाइन एक शराब है, विनेजर सिरका होता है बच्चों, इनका कॉमर्शियल यूज बहुत ज्यादा होता है। और इनको बनाते कैसे हैं, जनरली जैसे हमारा बार्ले जौ हो गया, व्हीट गेहूं हो गया, राइस चावल हो गया, इन फसलों पर ये यीस्ट ग्रो कराया जाता है, इन चीजों पर क्या यीस्ट ग्रो कराया जाता है, जिससे एल्कोहलिक स्मेल हमको प्राप्त होती है और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन, किण्वन हिंदी में कहते हैं इसको। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग एल्कोहल, वाइन और विनेजर आदि सब्सटेंस भी जो कॉमर्शियल यूज किए, जिनसे बहुत सारा पैसा कमाया जाता है हमारे देश में, वो भी किससे प्राप्त होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फिर मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थात औषधि वाला यूज, अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए औषधि का भी काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी औषधियां इससे तैयार की जाती है जिनका उपयोग हम अपने बीमारियों के क्योर में कर सकते हैं। जैसे बच्चों क्या देख रहे हैं आप, एंटीबायोटिक के रूप में पेंसिलिन तैयार करना, स्ट्रेप्टोमाइसिन तैयार करना, टेट्रासाइक्लिन तैयार करना, इरिथ्रोमाइसिन तैयार करना, और बहुत सारी दवाइयां। अब बात आती है एंटीबायोटिक क्या है, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, ये बच्चों दीज आर द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऐसी दवाइयां
जिनकी उपस्थिति में हमारे हार्मफुल माइक्रोब्स जो बीमारी फैलाते हैं वो मर जाते हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ऐसी दवाइयों को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। क्या कहते हैं बच्चों ऐसी दवाइयों को? एंटीबायोटिक्स, जिनकी उपस्थिति में जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनकी वृद्धि रुक जाए या वो मर जाए, ऐसी दवाइयों क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। बच्चों एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया ये मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉपर जो है वो एंटी वायरस जो है वो दवाई अभी तक अवेलेबल नहीं है। यही कारण है कि COVID-19 एक वायरल डिजीज है और अभी तक इसका वैक्सीन तैयार नहीं हो पाया है। वैक्सीन तो इनके तैयार हो जाते हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए वायरल डिजीज ज्यादातर बहुत ही डेंजरस होती है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीन, बच्चों जिसे टीका बोलते हैं, वैक्सीन की हिंदी है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। आज जानते हैं कि छोटा बच्चा जब बॉर्न करता है तो उसको अलग अलग जो है वैक्सीन तैयार करके उनको दिए जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, क्या होता है वैक्सीन? देखिए एडवर्ड जीनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले टीके का उत्पादन किया। उन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स जो एक वायरल डिजीज है पूरे के पूरे एपिडेमिक रूप में, जैसे आज COVID-19 है ऐसे फैली हुई थी, तो उन्होंने देखा कि जो लोग गायों की सेवा करते हैं, काउ कीपर्स हैं, उनको ये रोग नहीं हुआ। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा और देखा कि भाई वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, क्यों काउ को काउ पॉक्स होता है इसीलिए उनको ये वायरस से संपर्क होता रहता है और उनकी बॉडी में एक ऐसी एक तरह से इम्यूनिटी आ गई कि फिर वास्तव में यदि ये वायरस अटैक करता है उनकी बॉडी में तब भी वो इस रोग से प्रभावित नहीं होते। तो वैक्सीन होता क्या है कि डेडली माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करता है, अर्थात उनसे लड़ने की तैयारी करता है और उनको किल कर देता है, मार देता है। और जब रियली में ये बीमारियां होती हैं और तब हमारा बॉडी इस इन्फेक्शन के बारे में जानकारी रखता है, याद रखता है और वास्तव में इसको मारने में, इस इंट्रोड्यूसर को मारने में समर्थ हो जाता है। तो ऐसी सभी दवाइयां जो है वैक्सीन कही जाती है। तो बच्चों अब ये रहा कि आज के समय में जिसे पोलियो वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाती है और स्मॉल पॉक्स जो है एक ऐसी बीमारी थी बच्चों कि ये कंट्रोल में नहीं आ रही थी लोगों के, वायरस से होने वाला रोग है, तो इसका भी एक तरह से वैक्सीन तैयार किया गया जब से बीमारियां पूरी तरह से कंट्रोल है हमारे देश में। अब आते हैं कि ये वैक्सीन की मेहरबानी है बच्चों। आगे नंबर 5 है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, बच्चों यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी मीन मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देना। कैसे बच्चों? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था चैप्टर 1 जब आपको समझाया था कि देखिए ये प्लांट्स हैं, ये इसकी रूट्स हैं, इसमें नोडुल्स पाए जाते हैं। नोडुल्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट इसका इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके पौधों के वेयर भाव को सेंड कर देते हैं। तो इस तरह से ये किसके द्वारा हुआ? माइक्रोब्स के। राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को इस तरह से, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इस तरह से चेंज कर रहा है ताकि उसका पौधा यूज कर सके। जनरली ऐसा लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, दाल वाली फसलें आदि में होता है। अब दूसरा यह है कि बच्चों जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया को। और दूसरा मैन्योर, मैन्योर कैसे प्राप्त होता है बच्चों? हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ वेस्ट तैयार होते हैं, चाहे वो प्लांट से तैयार हो चाहे वो एनिमल से तैयार हो, है कुछ ना कुछ वेस्ट हमारे जीवन में तैयार होते रहते, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो चाहे वो प्लांट वेस्ट हो चाहे फैक्ट्री के वेस्ट हो, है इन वेस्ट को, वेस्ट जो ये वेस्ट है इन पर हमारे माइक्रोब्स एक्शन करके इनको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज का मतलब सड़ाना, गलाना, और हमारे एक यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसका नाम है ह्यूमस या मैन्योर, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इट मेक द सॉइल फर्टाइल। तो बच्चों इस तरह से भी यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी माइक्रोब्स का एक अहम रोल होता है बच्चों। फिर
क्लीनिंग द एनवायरमेंट, पर्यावरण की सफाई करना। आप देखते हैं कि कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं कि जो एक लावारिस जिनकी डेथ हो जाती है, वो कुछ समय पहले हमें दिखाई देते थे लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं तो वो वहां से डिसअपीयर हो जाते हैं। भाई कहां चले गए, कोई जादू हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। द डिकम्पोजर एज फंगस बैक्टीरिया आर कॉल्ड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर डिकम्पोज देम मीन्स उनको गला सड़ा देते हैं एंड कन्वर्ट देम यूजफुल मेटेरियल एज ए मैन्योर और द ह्यूमस। तो इसने यानी कि एक कॉम्प्लेक्स मेटेरियल को इन्होंने सिंपल मेटेरियल में कन्वर्ट कर दिया और हमारा पर्यावरण इस तरह से एनिमल से साफ हो गया। ऐसे ही हमारे बहुत सारे वेस्ट, जैसे प्लांट वेस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं, वेजिटेबल वेस्ट हैं, फ्रूट वेस्ट है, बच्चों इन सब को ये माइक्रोब्स डिकम्पोज करके इन्हें यूजेबल मेटेरियल में चेंज कर देते हैं जो प्लांट के न्यूट्रिएंट के रूप में काम आ जाते हैं। बच्चों ऐसे कुछ मेटेरियल ऐसे भी नहीं होते कि भाई सारे के सारे मेटेरियल्स को ये माइक्रोब्स जो है हमारे डिकम्पोज कर देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे पॉलीथीन हो गया है और आपके एम्प्टी ग्लास बोतल हो गई या एल्यूमिनियम के कोई यूटेंसिल्स हो गए तो एक्सेट्रा, तो ये इन्हें माइक्रोब जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, समझे? माइक्रोब इनको सड़ा गला नहीं सकते, इसलिए गवर्नमेंट बार बार जोर देती है भाई डू नॉट यूज द पॉलिथीन बैग, यानी बेन लगाया हुआ है, कई बार इन पर बेन लगाती है सरकार। क्यों? ये सड़ते गलते नहीं है। तो दो प्रकार के मेटेरियल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सड़ गल जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सड़ते गलते नहीं है, जैसे ग्लास बोतल हो गई, ठीक है, प्लास्टिक की चीजें हो गई है। तो ये सारी चीजें बच्चों रही, और दिस इज द एंड माय लेक्चर। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम।